हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो भी नीट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो इस वीडियो में आज हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी, एमबीबीएस से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो हाल ही में अभी एक एनडीटीवी के न्यूज पोर्टल पे आया हुआ है, उन्होंने एनटीए से बात की। एनटीए ने एनडीटीवी पोर्टल पे बताया है कि जो आपका नीट का स्कोर होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो भी जितना भी स्कोर करते हो नीट 2021 एग्जाम में, बिकॉज इस साल से पहले मींस नीट 2020 तक क्या होता था कि जो भी आपका नीट 20 जो नीट में स्कोर आता था, वो नीट का स्कोर आपके किन किन एग्जाम किन किन कोर्सेज के एडमिशन में यूज हो सकता था। देर वॉज एमबीबीएस, बीडीएस, देन योर आयुष कोर्सेज, देन योर वेटनरी कोर्सेज, ये चार कोर्सेज उसके अंदर एसोसिएटेड थे जिनके अंदर आप नीट के स्कोर से एडमिशन लेते थे 2020 तक। अब एनटीए ने एनडीटीवी के साथ जो न्यूज पोर्टल आया उसमें उन्होंने बताया है कि अब इस साल से कि नीट 2021 से क्या होने वाला है कि आपका जो नीट 2021 में जितना भी स्कोर आप करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आपको एमबीबीएस मिल रहा है, आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, आपको बीडीएस मिल रहा है या आयुष वेटनरी नहीं मिल रहा है, तो जो अदर कोर्सेज हैं फॉर एन एग्जाम्पल लाइक बीएससी नर्सिंग हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, जैसे कि लाइफ साइंसेज में आपके फिशरीज आती हैं, हनी बी वाला कोर्सेज आते हैं, जो जितने भी एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो कि लाइफ साइंसेज में आ जाता है। आपका बीएससी नर्सिंग में पहले इंडिविजुअली होता था, आप लोग जाके अपने हिसाब से एडमिशंस ले लेते थे, लेकिन इस बार जो नीट 2021 है, नीट 2021 से अब आपका जो स्कोर है वो हर एक जो भी बायोलॉजिकल कोर्सेज हैं, बायोलॉजी के कोर्सेज लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको वेटनरी, आयुष, बीएससी नर्सिंग, लाइफ साइंसेज, तो इन सब में भी अब आपका नीट का ही स्कोर अमान्य होगा। तो अब जो भी बच्चे 11th में बायो लेने का डिसीजन लेते हैं, 12th बायो से करते हैं, उनको अब किसी भी बायोलॉजी की फील्ड में जाने के लिए 100% आपको नीट एग्जाम देना ही होगा अगर आप इन सारे कोर्सेज करना चाहते हो तो, बिकॉज अब इन सारे कोर्सेज में आपको नीट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलने वाला है। सो गाइस, ये बहुत बड़ी अपडेट थी इससे रिलेटेड। जैसे ही, और अब अगर आप सोचोगे कि एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगा, तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे एनटीए ने पोर्टल नहीं डाला है, बिकॉज जैसे ही नीट 2021 जो आपका डेट अनाउंस हो गई है, जैसे ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वो एक पोर्टल रिलीज करता है, वहां पर वो ये सारी अपडेट्स आप लोगों को उस पोर्टल पे मिल जाएगी। तो जैसे ही वो पोर्टल रिलीज होगा मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा और वो अपडेट भी आपको दे दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, और ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और आपको फॉर एन एग्जाम्पल अगर नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग वीडियो अगर चाहिए तो मैंने बना के रखी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन सबके बारे में वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो वहां पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।